उत्तराखंड के नौले धारे लगातार सूख रहे हैं। जल संकट ऐसा जो हर एक जिले पर, हर एक गांव पर मंडरा रहा है। अब जो खबर सामने आई है वो सबको हैरान कर रही है। देश के बड़े हिस्से के लिए जीवनदायिनी गंगा यमुना के उद्गम वाले प्रदेश उत्तराखंड में 400 से ज्यादा जल स्रोत जो कि अब सूखने की कगार पर आ गए। दरअसल जल संस्थान के जरिए एक ताजा रिपोर्ट को पेश किया गया है जो चिंता का विषय है। दरअसल उत्तराखंड में भीषण गर्मी और कम बारिश से नदियों का पानी घट रहा है। हल्द्वानी की बात करें, यहाँ गौला और रामनगर अल्मोड़ा में कोसी नदी का जलस्तर गिरने से पीने के पानी और साथ ही सिंचाई को लेकर भी संकट पैदा हो गया है। तापमान लगातार बढ़ रहा है। ग्लेशियरों के पिघलने से अभी गंगा यमुना के जलस्तर में कमी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो आने वाले वक्त पे इस पर असर पड़ेगा। दरअसल हजारों स्रोत ग्लेशियरों से रिचार्ज होते हैं। भविष्य में उनके सूखे जाने का खतरा अब मंडरा रहा है। नैनीताल झील का जलस्तर चिंताजनक बना हुआ है। बारिश कम हो रही है और जंगलों में लगातार आग बढ़ रही है, जिससे कि पहाड़ों पर कई जगह लोगों को भारी जल किल्लत से जूझना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में इस बार कम बारिश हुई है। जून में अभी तक हालात सूखे जैसे हैं। संस्थान की माने तो उत्तराखंड में 400 से ज्यादा पेयजल स्रोत बुरी तरह प्रभावित हैं। कुमाऊं में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और गढ़वाल में पौड़ी, चमोली पर सबसे ज्यादा इसकी मार पड़ी है। जंगलों में आग से भी जल स्रोतों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। बता दें कि उत्तराखंड में जो 477 पेयजल स्रोत हैं, उनमें से 288 स्रोत ऐसे हैं जिनका पानी 50% से ज्यादा सूख चुका है। इनमें से भी 47 स्रोतों में पानी 75% से भी कम रह गया। 75% से ज्यादा सूख चुके स्रोतों के बचाव को अब जल्द ठोस उपाय नहीं किए गए तो इनका अस्तित्व खतरे में है। वहीं उत्तराखंड जल संस्थान के मुख्य महाप्रबंधक का कहना है कि गर्मी के चलते उत्तराखंड में जल स्रोत सूखने के साथ ही पानी का स्तर भी कम हुआ है और उसका असर नदियों पर भी दिखाई दे रहा है। और लंबे समय से अगर बारिश नहीं हुई तो ये स्थिति ऐसे ही बनी रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजकुमारी।